वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु जी भाई अरविंद सर। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम आखिर कब तक करवाए जाएंगे? बचे समय में आप बेहतर तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा डाउट कि इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे और सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, आपका हर एक डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। आइए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि गाइज आपने इसे देख लिया होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूँ, ये गाइज कल के नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक आप यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है, मेरे प्यारे मित्र, जो आपकी परीक्षा है ये पहले नोटिफिकेशन में दिया गया था, जब इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाएगी, लेकिन अब इसका मोड चेंज कर दिया गया, बता दिया गया कि आपकी परीक्षा जो है ये OMR बेस्ड, यानी कि आपकी परीक्षा अब ऑफलाइन माध्यम से करवाई जाएगी, ये बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। और फिर आप गाइज यहाँ पर देख लीजिए एक बात और, जो गाइज टोटल आपके एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं 2430 पदों के लिए, वो हैं 5,39,841 गाइज कुल मिलाकर के आपके एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं, और 21 पोस्ट में कितने एप्लीकेशन रिसीव किए गए ये आप यहाँ पर देख लो, ये तो गाइज बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा होगा, फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जो अपना मेन पॉइंट्स हैं हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर जो गाइज कल के नोटिफिकेशन में दिया गया वो देख लीजिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर तो लिखे पहले ही लिखा गया है कि जो आपका गाइस क्वेश्चन पेपर होगा, लिखा गया है द स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़िकल्टी इन ईच सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर वुड बी ऑफ द सेम लेवल। दैट मीन्स ये हुआ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला होगी गाइस वो सेम लेवल की होगी। अगर आपकी परीक्षा दो दिन करवाई जाती है तो ये मतलब नहीं है कि पहले दिन कठिन होगी दूसरे दिन आसान होगी, ऐसा मतलब नहीं है, पहले ही बता दिया गया सेम लेवल की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। फिर गाइस इसके आप देख लीजिए 3 नंबर पॉइंट्स में, द क्वेश्चन पेपर विल हैव सच नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पर दी गाइडलाइंस या सिलेबस एंड स्कोरिंग मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय UPPRPB। कहने का मतलब है क्वेश्चन पेपर की संख्या जो है मेरे प्यारे भाई ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सिलेबस या उसके गाइडलाइंस के अनुसार होगी, जो गाइस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर आप देख लो, अभी हम बात करेंगे, बिल्कुल आप चिंता न करो, पहले लिखा गया उसको देख लो, ईच क्वेश्चन पेपर वुड हैव 4 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ABCD विद सेम क्वेश्चन बट विद चेंज्ड सीक्वेंस। यानी क्वेश्चन पेपर जो है आपका गाइस ये 4 सेट में डिवाइडेड होगा ABCD में। फिर यहां पर गाइस आप देख लो लिखा गया है, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, रेंडोमाइजेशन ऑफ क्वेश्चन अक्रॉस ऑल दी 4 सेट्स शुड बी इंश्योर्ड दैट नो कॉमनलिटी इन पोजिशन ऑफ एनी क्वेश्चन इज फाउंड अक्रॉस एनी सीरीज, द प्रोसेस शुड बी 100% एक्यूरेट। यानी ये प्रक्रिया जो है गाइज ये आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा गया कि क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका गाइज ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे मित्र कि जो आपका गाइस क्वेश्चन पेपर होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो ये तो रही गाइस कुछ यहाँ पर सामान्य बातें जो आप जानते भी रहे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर यहाँ पर कि एग्ज़ाम आपका कब तक करवाया जाएगा। तो देखो गाइस, जैसे ही कल इसकी नोटिस एक आई उसके बाद से गाइस यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोज़ आने लगी, और उसमें कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, और कुछ तो गाइस बहुत ही ज़्यादा डिले बता रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी गाइस आपने देखा होगा। अब गाइस कुछ उम्मीद की बात की जाए तो देखो, हालांकि गाइस यहां पर आप ध्यान देंगे तो देख लीजिए इसके जो नोटिस दी गई थी उसमें देख लो, प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं, यानी कि गाइस जो कंपनियां हैं वो अपनी अपनी निविदाएं नियत तिथि दिनांक 6/10/2022 को प्रातः 10 बजे से गाइस यहां पर फिर 14 यानी कि 2 बजे के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यानी जिस कंपनी को पेपर करवाना हो वह कंपनी 6/10/2022 तक गाइस भर्ती बोर्ड में जा करके अपनी उपस्थिति वहाँ पर सुनिश्चित करे। तो गाइस यहाँ पर 6 अक्टूबर तक आपका ये कन्फर्म होगा कि कौन सी कंपनी करवा है, ठीक है। हालांकि 6 अक्टूबर तक वहां पर जाएंगे, अब आगे गाइस आपका 20 या 25 तक अक्टूबर तक कंफर्म हो जाएगा कि परीक्षा कब तक होगी। ये डेट एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अक्टूबर में गाइस ये अक्टूबर में आपका कंफर्म हो जाएगी परीक्षा कब तक होगी। मुश्किल से 2 महीने का समय आपको और दिया जाएगा, बहुत बढ़ चढ़कर समय दिया जाएगा तो 2 महीने का, क्योंकि आप अगर गाइस समझो समझने की कोशिश करो तो ये जानते ही हो कि वैसे भी 8-9 महीने लगभग हो चुके हैं या आपके
आपके भर्ती आए हुई है, जनवरी में ही भर्ती आई है और 8-9 महीने लगभग आपके भर्ती आए हुए हो चुके हैं, तो समय आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस भ्रम में हैं कि ये परीक्षा आपकी अगले साल करवाई जाएगी 2023 में, गाइस कुछ बता रहे हैं फरवरी में, कुछ बता रहे हैं मार्च में, कुछ बता रहे हैं मार्च अप्रैल में भी मुश्किल बता रहे हैं, तो देखो मेरे प्यारे भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन बातों पर विश्वास करें और किस तरीके से तैयारी करें। लेकिन जहाँ तक उम्मीद की बात की जाए मेरे प्यारे मित्र, तो ये मान कर चलो आपकी परीक्षा जो है ये गाइज दिसंबर के सेकंड वीक तक करवाई जा सकती है, ठीक है। दिसंबर के सेकंड वीक तक ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप हमारी बात पर विश्वास करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर लेंगे और जी जान शिद्दत के साथ तैयारी में लग जाएंगे, तैयारी में अपने धार दे देंगे, तो ये गाइस आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे चल करके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और वैसे अब आपके पास इतना गोल्डन चांस, इतनी सुनहरी गाइस वैकेंसियाँ फिर जीवन काल में नहीं आने वाली हैं, आएगी भी तो ओवर एज हो जाओगी, ठीक है। अब आप हमारी बात पर विश्वास करो तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर नहीं विश्वास है तो आगे आपकी मर्जी, ठीक है। ये मानकर चलो दिसंबर में ही आपकी परीक्षा होगी, इसी वर्ष परीक्षा होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि 2023 में परीक्षा होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भैया कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका लगभग 2 से 2.5 महीने समय बचा है, तैयारी कैसे करो। ये गाइस तैयारी जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरीके से मेहनत करते हो। मुश्किल से 6 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो, 2 से 2.5 महीने भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मुश्किल से अगर आप 10 घंटे किसी तरीके से गाइस पढ़ लेते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन छीन सके। बस आपके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए, ठीक है। गाइस आप जितनी भी देर किताब उठाकर पढ़ो या आप गाइस ऑनलाइन पढ़ो, मन लगाकर पढ़िएगा, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। सिलेबस के थ्रू पढ़िए और गाइस मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल ना करो। और वैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप गाइस बुक से पढ़ें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब देखो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं आपका वीकली टेस्ट करवाता हूँ, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर स्पेशल होता है। जो मित्र हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वह सभी जानते होंगे और जो नए जुड़े हैं वो जान लें कि आपका वीकली संडे को टेस्ट होता है, हर वीकली संडे को होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है। मैं यहाँ से टेस्ट पेपर भेजता हूँ, आप अपने घर पर लगाएंगे, उसके बाद अपनी कॉपी हमारे पास भेजेंगे, मैं आंसर की भेजूंगा, उसके बाद चेक करके फिर से भेजेंगे। नेक्स्ट दिन यानी कि संडे के बाद मंडे को आप की गाइस टॉपर लिस्ट वीडियो आती है। आपके हौसले को बढ़ाने के लिए, आपके गाइस जज्बे को और ऊर्जा देने के लिए मैं नेक्स्ट दिन आपकी गाइस टॉपर लिस्ट वीडियो लेकर आता हूं, उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं उनका मैं फोटो दिखाता हूं, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपकी क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री में, हिंदी आपकी 7 बजे होती है, असिस्टेंट ऑपरेटर स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दी गई, आप देख सकते हो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के नाम से गाइस हिंदी की प्लेलिस्ट है, जाकर के आप चेक कर लेना। जीके एंड करंट अफेयर्स की 7:30 बजे चलती है, साइंस की आपकी गाइस रेडियो ऑपरेटर स्पेशल जिसमें फिजिक्स केवल करवाया जाता है, ये आपकी 8 बजे चलती है। रीजनिंग एंड मैथ की बात करें गाइस तो इसका भी कोई टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको ये अपलोडेड क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, जाकर के आप क्रम के अनुसार अध्ययन कर लेना, ठीक है। इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप सारी क्लासेस को क्रम के अनुसार देख सकते हो प्लेलिस्ट के माध्यम से। ओके मित्र, 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, सभी जानते हो गाइस कि मौसम बहुत ख़राब है और गाइस समस्या बहुत ही ज़्यादा है, 2-3 दिन से लगातार मौसम ख़राब है, तो इसकी वजह से अभी 2 दिन से आपकी क्लासेस डिले हैं, लेकिन जैसे ही गाइस ये समस्या दूर होती है आपको क्लासेस लगातार मिलनी शुरू हो जाएंगी। बात करें कि इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे गाइस, तो देखो अभी तक इसकी कोई भी गाइस ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि कितने प्रश्न आएंगे, जैसे ही इसकी अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन अगर गाइस कहा जाए कि कुछ एक्सपेक्टेड, तो वैसे भी आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाई कि इसमें बता दिया गया है, यहाँ पर आपको मैं बता भी दूँ, देख लो गाइस कि सामान्य हिंदी में आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान मिलाकर के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ का आपका 100 और रीजनिंग भी आपका 100, कुल मिलाकर के 400 अंकों की परीक्षा होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन मेरे प्यारे भैया 2.5 मार्क्स यानी अगर आपका एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है, तो आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी मेरे प्यारे मित्र सुन लीजिए, वह होगी 40। कितनी होगी? 40, यानी 40 हिंदी, 40 और गाइस जो होगा वो विज्ञान और सामान्य ज्ञान मिला करके 20 होंगे।
और 40 आपका रीजनिंग और 40 मैथ, यानी गाइस कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन आएंगे जहां तक उम्मीद है। अब ये आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है, 200 भी हो सकती है, इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बात करें सिलेबस की, तो गाइस इसके बारे में मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाकर बता दिए, बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, यहाँ पर आप गाइस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए हिंदी का पूरा सिलेबस। सामान्य ज्ञान में आप गाइस पहले विज्ञान का देख लीजिए, साइंस स्पेशल आपकी भौतिकी आएगी, असिस्टेंट ऑपरेटर आप देख लो, और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख लो सामान्य ज्ञान में आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। मैथ में आप देख लो मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर बाकी बच्चा आपका यहाँ पर मैथ का पोर्शन और ये आपका रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको गाइस लगभग जानकारी बता दी है, एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कब तक करवाया जाएगी। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास है तो अब आप तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, दो दिन से आपका गाइस मौसम ख़राब है जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, बहुत समस्या है, ठीक है, लाइट की भी समस्या आ रही है, नेटवर्क की भी समस्या हो रहा है गाइस, तो इसकी वजह से दो दिन से क्लासेस डिले हैं, लेकिन जैसे ही समस्या दूर होती है आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब गाइस आप अपनी तैयारी में धार दीजिए, समय नहीं बचा है। अगर आपका गाइस टारगेट है यूपी पुलिस में एक सीट कन्फर्म करना है, असिस्टेंट ऑपरेटर में गाइस आपको जॉब लेना है, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी में अपनी धार दे सकते हैं। गाइस अगर आप जुड़े रहेंगे एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, तो ये दावा करता हूँ एक सीट मैं आपका कंफर्म जरूर करवा दूंगा, बस आपके अंदर हौसला जज्बा और आपके अंदर मेहनत वाली चीज़ होनी चाहिए, निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं जैसी आपकी इच्छा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।